अब बाजार थर्राने लगे हैं। एशिया के सभी बाजारों में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। गिरावट की इस तेज आंधी में सभी सेक्टर इंडेक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर बढ़ रही घबराहट से दुनिया के साथ एशियाई बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार में आई गिरावट कहां जाकर थमेगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना को WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। कई देशों ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद करने शुरू कर दिए हैं, जिससे एशियाई बाजारों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एशियाई बाजारों के साथ साथ अमेरिकी बाजार भी 6% तक लुढ़क गया। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव एशियाई बाजारों पर देखा जा रहा है, चाहे वो सिंगापुर एक्सचेंज मार्केट हो या टूरिज्म पर निर्भर थाईलैंड का मार्केट। इसके साथ ही जापान और इंडोनेशिया के शेयर मार्केट भी गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी अपने 32 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। गुरुवार को शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। किसी एक दिन में शेयर बाजार ने इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी। दक्षिण कोरिया, हांगकांग के बाजार भी कोरोना की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हैं। वहीं अमेरिका की यूरोप यात्रा पर बैन के बाद कच्चे तेल के दामों में और गिरावट दर्ज की गई। आज तक ब्यूरो। रूस में व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। रूसी संसद में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक पुतिन के पिछले सारे कार्यकाल को शून्य घोषित कर दिया गया है और पुतिन को दो बार और राष्ट्रपति बनने के मौके दिए गए हैं। रूसी संविधान के मुताबिक रूस में कोई भी शख्स दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन पुतिन के लिए संविधान को ही किनारे कर दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रूस के संविधान में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सैन्य क्षमता में दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश रूस में ये संवैधानिक बदलाव कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति चीन में शी जिनपिंग के जीवन भर राष्ट्रपति बने रहने को लेकर हुआ था। दरअसल रूस में राष्ट्रपति पुतिन का दूसरा कार्यकाल 2024 में पूरा होने वाला है। रूस के संविधान के मुताबिक एक शख्स दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन रूस की संसद ड्यूमा ने एक प्रस्ताव पारित कर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने पर मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 383 मत पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक पुतिन के राष्ट्रपति पद के पिछले सारे कार्यकालों को शून्य घोषित कर दिया गया है और पुतिन को दो बार और राष्ट्रपति बनने के मौके दे दिए गए हैं। हालांकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक प्रावधान बरकरार है। गौरतलब है कि पुतिन ने संवैधानिक बदलाव की घोषणा जनवरी में तभी कर दी थी जब दिमित्री मेदवेदेव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया था। भारत के पड़ोस में अब दो राष्ट्रपति ऐसे हो गए हैं जो अब करीब करीब जीवन भर सत्ता में बने रहेंगे। आज तक ब्यूरो।